दोस्तों, जो मोबाइल फोन आप चलाते हैं, क्या उसकी कीबोर्ड में अपनी खुद की फोटो को या अपनी मनपसंद फोटो को लगाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल की कीबोर्ड में अपनी खुद की फोटो या अपनी मनचाही फोटो को कैसे लगा सकते हैं, और वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, बिना किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए आप अपनी मोबाइल की कीबोर्ड में अपनी खुद की फ़ोटो को लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी कीबोर्ड में कोई भी फ़ोटो लगाने के लिए। आपके कीबोर्ड में ही वो सेटिंग मौजूद है जिसकी मदद से आप ये कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, घबराइए नहीं। न मैं आपको लाइक शेयर करने के लिए कहूँगा और न ही सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चल के आपको बताऊँगा कि आप ये सब किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको कोई सा भी एक ऐप को ओपन कर लेना है। अब आप ऐप सुनकर घबराइएगा नहीं, ऐप ओपन करने का मतलब है कि आपका कीबोर्ड शो होने लगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, इसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड हमारा आ चुका है। और आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक फ़ोटो अपनी कीबोर्ड में सेट करके रखी है, पर मैं आपको दूसरी फ़ोटो सेट करके दिखाऊंगा। तो कीबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ जो तीन बिंदी दिख रही है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इसमें से आपको इस पर से थर्ड नंबर पर थीम पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल रहे होंगे, पर आपको फ़ोटो सेट करनी है इसके लिए आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, और आप जो भी फ़ोटो जहाँ रखे होंगे उसे ढूंढ करके आप चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसको इतना कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, घटाना नहीं है, बढ़ा दीजिए, मैं इतना कर देता हूँ। इसके बाद करेंगे आप डन। यहाँ पे एक आपको और ऑप्शन मिल रहा है की बॉर्डर का, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, पर ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद से आप करेंगे यहाँ अप्लाई और फिर वापस से बैक जाएंगे। ये देखिए आपकी ये फ़ोटो सेट हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी मोबाइल की कीबोर्ड में अपनी खुद की फ़ोटो को लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि इच्छा और प्रबल हो तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।